अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं शॉवर लेकर आई हूँ, फ्रेश होके आई हूँ। यहाँ पे सारे काम वगैरह चल रहे थे क्योंकि ऑब्वियसली बर्थडे है, तो ये बर्थडे व्लॉग होने वाला है मज़े का। ये सारा मम्मा शॉपिंग करके आई है फॉर बर्थडे। हेलो मम्मा जब अपने व्लॉग में होती है तो बिल्कुल ही गुम हो जाती है, इधर उधर का मम्मा को कोई होश नहीं रहता क्या हो रहा है। तो यार जरा इधर बंदा देख के बोल ही देता है वो मरून। अस्सलाम वालेकुम, हाँ। अभी हुलिया देखा है मेरा, क्या हुआ है? मैं बस यही बता रही हूँ कि हम लोग सफाई वगैरह करवा रहे थे, बिजी थे हेल्पर के साथ। तो अब मैं हो गई रेडी, हमें जाना है चैप्टर टू, कुछ चीज़ें लेनी है, ग्लोव वगैरह रह गई थी, और मुझे अपनी कज़न को पिक करना है यूनिवर्सिटी से, वो आ जाएगी आज ही, बाकी लोग सब कल आएंगे। सो ये स्टार्ट हो रहा है बर्थडे व्लॉग। आगे चले देखे सिम्बा क्या कर रहा है, सिम्बा की हरकतें दिखाती हूँ मैं आप लोग को, और लाइक सी क्या हो रहा है। छिछुंदर छिपकली लग रही है मरुंडी, क्या कर रही है यहाँ पे हरकतें, क्या कर रही हो ला शुभा शुभा, क्या कर रही हो सिम्बा। भाई ये क्या जिम्नास्टिक शुरू कर दी मेरे बेटे ने, आज तो बड़ा एक्टिव माइंड हुआ है, खुश खुश हुआ है, बहुत खेलियां खेलियां होली हैं। शुभा शुभाई सिम्बा ने देखे क्या शुरू कर दिए, उतर जाओ थक गए, हाँ बस उतर आओ, वेरी गुड। प्लीज मलाइका मेरे लिए ये बनाकर आई है, मलाइका क्या बनाकर आई है बताओ? नूडल्स एंड कॉफी। ये जी अभी हम सफाइयाँ करवा रहे थे सारी, क्योंकि कल ऑब्वियसली बर्थडे फंक्शन है, तो हमने कहा थोड़ी तैयारियाँ की जाए। हेल्पर्स कर रही हैं सफाइयाँ और मलाइका और मैं नूडल्स खाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, इतना शोर क्यों करते हो, इतना शोर बच्चों? हाँ जी, ये वाला जो है ना, ये वाला, यहाँ हम सब सारे कामों में बिजी हैं, और ये वाले ने इतना शोर, अब क्यों डर के भाग गई है? डांस तो करके दिखाओ, कौन सी वाला डांस करता होता है, डांस करो, डांस 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 डांस, ये ऐसे पिंजरा पकड़ के डांस करते हैं यूं। हेलो, हाँ जी हाँ जी, डांस करने का इरादा है किसी का? हाँ, कौन सा वाला डांस करके दिखाएगा? आप मुझे करके दिखाते हो, वर्तवा करो, इतना शोर क्यों करते हो यार, चुप चुप। हाँ खबरदार, जो किसी ने शोर किया हो तो सर खा गए शोर कर करके। मैंने कहा आयशा को मैसेज करना पड़ेगा ना, चलो पहले आयशा को लेना है। हाँ कहते हैं मुझे चुप करके फिरने दो, मतलब तू फिरने के चक्कर में हमें कहाँ से कहाँ पहुंचा दे, बस तू फिर पहले कैमरा ऑन कर ले, कर मैं बेचारा दुखों का मारा, मेरा दिल टूटा हुआ, मैं दीवाना, मेरे मुंह ना लगा, समझ रहे हो, समझ रहे हो, चलो मेरे मुंह ना लगा यार, यार उधर छोरा दीवाना है, इतनी सस्ते जूस कहां से लाया यार तू, ठंड हो गई है, बाल भी कटवाने जहन में आ गए, चलो इसी बहाने ना मेरे भाई को याद आ गया के बाल लंबे कल, होते हैं। चलो कल इसी ना भी लूंगा मैं। ये मरुंडी बैठी है, तू क्या है मैं हाँ। प्यारी हूँ, ये दूसरी मरुंडी नंबर टू, ये तेरा नजर नहीं आया क्योंकि तेरा मुंह छुपा हुआ है नसीब से। क्या लिमका? नहीं यार गले पहले खराब है, तू पी ले, तूने पीना है तो, मेरी तो नाक आवाज पहले बंद है, फिर मुझे ये ना पानी शुरू हो जाए, ठीक हो गया फिर नहीं होता ठीक। बीड्स सिल्वर लेने ना, तो हर्ट्स बनेगा, हाँ तो हर्ट्स वाला ले लो, क्या प्रॉब्लम है, ये स्टार्स जो भी हैं हर्ट्स वाला ठीक है, क्या लगेंगे ये स्टार्स, ये रे गोल वाले नहीं, ये रे गोल लेने, ये लुक्स, और मलाइका ये तूले ये लगाना, प्रिंसेस इनकी पसंद से गोवा
अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गला ख़राब की वजह से आवाज़ बहुत कम निकल रही है। तो आज बर्थडे इवेंट, फाइनली आज बर्थडे इवेंट है हमारा। और अभी लाइक और मैं कल के तरह नूडल्स खाने वाले हैं, लेकिन कॉफ़ी की बजाय चाय पीने वाले हैं। इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 8। सो अब नाश्ता करने वाले हैं, उसके बाद हम लोग थोड़ी सी हमारी जो डेकोरेशंस करनी है वो स्टार्ट करेंगे। सो गाइस लेट्स सी, आई एम लाइका के पास चलते हैं। हम उठे हैं तो सबसे पहले हमें हमारा सिम्बा गुड मॉर्निंग बोला था। अस्सलाम वालेकुम सिम्बा, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं मिलने आई हूँ, इतनी प्यारी हूँ लाइका। हाय, ये हमारे नूडल्स बन रहे हैं। लाइट्स एक्चुअली हमने ऑफ की हुई क्योंकि आयशा कजन जो आई हुई थी वो भी सो रही है। हाँ देखा, बोला कभी कहीं कम शो मचाओ, जबकि अभी मैं इतना स्लोली बोल रही हूँ। पूरा घर जो है सब सो रहा है, बाबा मेरे और मलाइका के अलावा। खुशी बहुत है। नहीं नहीं नहीं, खुशी की बात नहीं है, मैं बताती हूँ। मेरी जो है ना आँख, मेरी आँख मेरी नींद पूरी नहीं हुई क्योंकि मलाइका की भी नहीं हुई, क्योंकि मैं 2 बजे सोई हूँ और मैं 7:30 उठ गई हूँ, आँख खुल गई है। मैंने दोबारा सोने की ट्राई की लेकिन मुझे नींद नहीं आई। फिर मलाइका ने मुझे नूडल्स ऑफर किए, चाय ऑफर किया, तो मैंने कहा गला वैसे बहुत दर्द हो रहा है तो पी लेना चाहिए और कुछ गर्म गर्म खा लेना चाहिए। अच्छा लाइका, इसमें पानी कम है और ये गल नहीं रहे और बल्कि उल्टा अकड़ रहे हैं। हमें इसमें ना पानी डालना चाहिए नूडल्स को। नूडल्स रेडी होके आ गए। मैंने रात को अपने नेल्स किए थे, नेल पॉलिश, ब्लिंक ब्लिंक। नूडल्स होके आ गए। मलाइका चाय लेकर नहीं आ रही, मैं उसका वेट कर रही हूँ ताकि वो आए और फिर हम देखेंगे बिग बॉस साथ साथ, और साथ साथ हम खा रहे हैं। मुझे लग रहा है मेरे कैमरे के आगे हाथ आ गया था, तो मलाइका का वेट कर रहे हैं, बिग बॉस देखेंगे और साथ साथ खाएंगे। और मलाइका आ गया। हेलो, बहुत देखोगी, मैंने आपके बाउल से ना एक निवाला लिया था, मैंने कहा मैं सच बता दूँ। ओके, हाँ इसलिए मैंने बता दिया तुम्हें, सच झूठ नहीं बोला मैंने। उठ के गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हेलो गाइस, यहाँ पे कुछ यूँ हुआ है कि हमारी डेकोरेशन कुछ गायब हो गई है, हमें नहीं पता कहाँ, क्योंकि हम लोग सारी एक ही जगह पे रख के सोए थे। हमारे डिस्को बलून्स गायब हो गए हैं, जो मेन चीज़ थी। हम लोग दूसरा घंटा है, 8 बजे उठे हैं, 11 बज गई है, तीसरा घंटा है, हम ढूंढ ढूंढ के थक गए हैं। अब मैं जा रही हूँ अगेन गिफ्ट शॉप कि शायद मैं कुछ जुगाड़ कर सकूँ। वो हमने ऑनलाइन मंगवाई थी, कराची से अरेंज करवाई थी, लेकिन अफसोस का मकाम है कि कोई ब्लंडर हो गया। कल रात हर काम करके सोए हैं, हर चीज़ देख के सोए हैं, लेकिन आज पता चला है कि डिस्को बलून्स का कुछ गायब हो गया, सबके सब गायब हो गए, और एक ये स्टार बलून भी। अब हम टेंशन फ्री थे, लेकिन अब सुबह से फिर हमें टेंशन पड़ गई और हम जान लगे हैं। यहाँ मलाइका और आयशा डेकोरेशन में बिजी हैं और मैं भाई का वेट कर रही हूँ कि हम लोग जा सकें। और मैं कुछ, बाबा कह रहे हैं अब कुछ करो कोशिश और कुछ करके आओ, क्योंकि हमारी थीम है डिस्को थीम, और वो ज़रूरी चाहिए थी हमें, हमें मुल्तान में मिल नहीं रही थी, तो हमने कराची से स्पेशल अरेंज करवा के मंगवाई। लेकिन अब हमें पता नहीं हम क्या करेंगे, आई डोंट नो गाइस। चलते हैं और देखते हैं। लगे हैं घर से फॉर चैप्टर 2। इसको मैं साफ करके इसमें ब्लॉक कर रही हूँ, तो हम इस वक्त चैप्टर 2 के लिए निकलने लगे हैं। भाई आ रहे हैं और अब दुआ करें कि मुझे कुछ अच्छा मिल जाए। अभी मुझे बड़ी परेशानी हो रही है, आई डोंट नो क्या होगा, लेकिन आई होप कुछ अच्छा मिल जाएगा, लेट्स सी। ये थी, हमने ये टेबल बुक करवाई थी इनसे, एक फॉइल बलून मिला है मुझे अभी तक, और ये अब गाड़ी में रखेंगे। आ जाएगी आराम से। चलो जी, अब मुझे कर्टन ढूंढने हैं और डिस्को बैलून्स एक तो मिल गया है, और बाकी अब ढूंढते हैं जी। अब हम आए हैं रीड ताकि हम लोग यहाँ पे कर्टन ढूंढ सके। हमें नहीं मिला अभी तक,
हमें नहीं मिला अभी तक। यार बच्चों अब हम के मार्ट आए हैं क्योंकि हमें और कहीं कुछ नहीं मिल रहा। अब हम ढूंढ ढूंढ के थक गए हैं और अब हमारी फाइनल जो है वो के मार्ट से उम्मीद है। लेट्स सी क्या होता है। बंद है वो, ये सेकंड फ्लोर है। उन्होंने कहा था थर्ड पे मिलेगा, उन्होंने बोला। फाइनली कुछ ना कुछ जुगाड़ू काम हो गया, उसके बाद हम लोग ये पीने लगे। ओए ओए सांस में सांस आ गई, पी के थक गई हूँ मैं इतना। पता नहीं आज मैं कोई 10 दुकानों पे घूमी और मैं बहुत थक गई हूँ, लेकिन अब एंड पे हमने कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लिया। अभी अभी हम सामान लेके इंटर हुए और यहाँ पे कुकिंग चल रही है। देख पक रही है मंसूर बलोच, देख सेंटर। किसी को अगर देख पकवानी हो तो यहाँ रब्ता कर सकते। चूल्हे में वो तो ये करता ही है, दायरा दूसरा चूल्हा है ना। साल अल्लाह कितने मजे कर रहा है, टेस्टी। हम जरा रेस्ट, बाबू को पसी भी नहीं पहुंची, पहुंच गई। हम जरा रेस्ट कर ले। मैं आ गई हूँ घर, टेबल भी ले ली। ये देखें जी अभी सेटिंग हो रही है, मेहनत कर रहे हो। अब मुँह ठीक कर लो, अब चीज़ें लगे ले आई हूँ मैं। बेशक वो नहीं आई लेकिन कुछ ना कुछ तो हो गया ना जुगाड़। लेकिन परेशानी बहुत है कि आखिर गए कहाँ, है ना, आखिर जा कहाँ सकते हैं, बहुत परेशानी हो रही है। चलो खैर तो अभी अभी हम थोड़ी सी डेकोरेशन से फ्री हुए हैं, कुछ चीजें रह गई हैं। ये स्टार बहुत ही प्यारा लग रहा है, लाइका नाच रहा है ना, बहुत मुश्किल है थोड़ा मैच। अच्छा कोई टच चैलेंज, ऐसे खड़ा रहेगा ना ये, ऐसे अच्छा लगेगा। ये सारे गिफ्ट हैं जो मेरे आए हैं अब्बू अम्मी और अमान की तरफ से। थैंक यू सो मच, आई रियली लाइक इट। अब हम थोड़ी देर में तैयार होते हैं, फिर आप लोग को दिखाएंगे डेकोरेशन वगैरह। सो गाइस मलाइका और मैं रेडी हैं हमारी बर्थडे के लिए। हेलो मलाइका, ठीक है। और हम लोग काफ़ी थक गए थे, काफ़ी ब्लंडर्स हुए हैं आज बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर अब हम लोग रेडी हो गए हैं। अब मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ कि हम कैसे लग रहे हैं। ये है हमारी आज की फुल लुक, ये हमारी फुल लुक है। मलाइका चले नीचे या नहीं, हबीब को बुला लो, है ना, हबीब को बुला लो या नहीं। अब हम लोग जाने वाले हैं रूम से बाहर और नीचे, और देखते हैं कि हम हमें देख के क्या रिएक्ट करते हैं। ये देखिए जी ये सेटअप हो गया, अभी लाइट्स यहाँ लग जाएंगी और ये रहे हम दोनों। कैसे स्पीकर, चलो चले। हेलो गाइस हम लोग आए, केक हमारा केक आ गया। बाबा की चाय दिखाते हैं अभी हम आपको, बाबा से मिलवाएंगे। हम बाबा के साथ मैच कर रहे हैं ब्लैक और ब्लैक, ठीक है ना। लेकिन मम्मा नहीं मैच कर रही हमारे साथ, मैं तो कर रहा हूँ। आप कह रहे हो, मम्मा नहीं कह रही। मैंने कुदरती अब हम आपको महादाना से मिलवाएंगे, तुम लोग भी इधर आओ दोनों। ये बहुत बड़ा ब्लॉगर है, हेलो ब्लॉगर है, बहुत बड़ा ब्लॉगर है। इसको आपने कभी देखा नहीं होगा लेकिन है बहुत बड़ा ब्लॉगर है। लेकिन अब आप देख लेंगे, बातें कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। इस कैमरे के पीछे जो है वो है ज़ैनब, उसे भी मैं आपको मिलवा देती हूँ। ये बात तो कई दफा बरादरी खत्म करके फिर आ जाए। अब हम इस कैमरे को कुमकुम के घर की तरह उस तरफ जितने भी लोग हैं वो सिर्फ कैमरे के पीछे से मिलेंगे, उनकी तरफ से मेरी तरफ से। क्या
केक कैसा आया? जैसा सोचा था वैसा? रुको, 1000 रुपए वापस दो, मैं 300 दे दूँ। जैसा लेना 300, जैसा सोचा था वैसा आ गया केक। अभी मैं सही से देखा, बाबा 300 दे दो। ओके का फोटो देख दो। क्यूट है। इसके ऊपर लिखा हुआ है डिस्को दीवाने, क्योंकि आज की पार्टी की थीम है डिस्को दीवाने। यहाँ पे म्यूज़िक था क्योंकि कॉपीराइट इशू आ जाता है, तो हम लोग इंजॉय कर रहे थे। हमारी बर्थडे पार्टी का नेम था डिस्को दीवाने, हमने थीम रखी थी डिस्को, और इसलिए हमने ब्लैंक ब्लैंक ड्रेसेस पहने थे और बलून्स और सेटअप भी सारा ऐसे किया था, शिमरे शिमरे ब्लैंक ब्लैंक। तो यहाँ हमारी फुल ऑन मस्तियाँ चल रही थी, सारे बहुत प्यारे लग रहे थे, सब कज़न्स ही बहुत अच्छे लग रहे थे, पूरी फैमिली सब आए हुए थे और हम लोग को बहुत 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 मज़ा आ रहा था। और इस दिन हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है। मलाइका ने ये ड्रेसेस हमारे डिज़ाइन किए थे और सेटअप मलाइका और मैंने मिल के किया था, ज़्यादा मलाइका ने और मैंने हेल्प की थी उसकी। तो यहाँ सबके पिक्चर्स चल रही हैं और यहाँ मेरे चाचू हैं और चाचू के साथ मलाइका और मैं पिक्चर्स बनवा रहे थे और साथ साथ व्लॉग कर रही थी, ज़ैनब शूट करवा रहे थे और बूमरैंग्स बना रहे थे। और यहाँ पे मैं बोल रही हूँ ज़ैनब को कि ज़ैनब व्लॉग ज़रूर बनाना ताकि मेरी जो यूट्यूब फैमिली है वो भी देखे, क्योंकि उसके मेरा मोबाइल उसके पास था। केक कटिंग का टाइम हो गया, यहाँ मामा केक लेकर आ गई हैं और अब हम केक के साथ शूट करवाएंगे। केक बहुत ही खूबसूरत बना था, हम लोगों ने खुद डिज़ाइन निकाल के देकर कस्टमाइज़ करवाया था और हम लोग सोच रहे थे कि पता नहीं अच्छा बनता है नहीं बनता, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा था और केक पे लिखा हुआ था डिस्को दीवाने। हम लोगों ने बहुत सोचा था कि हमें क्या थीम रखनी चाहिए, ब्लैक ब्लू ग्रीन पर्पल तो सब रखते हैं, तो मलाइका और मुझे आइडिया आया कि इस दफ़ा हम कोई ब्लिंक ब्लिंक शिमर शिमर थीम रखते हैं। तो हमारे जहन में सबसे पहला आइडिया आया डिस्को थीम रखते हैं, और फिर एक सॉन्ग है डिस्को दीवाने, तो उससे हमें आया कि हमें केक पर लिखवाना चाहिए डिस्को दीवाने और टोटली डिस्को थीम होनी चाहिए। बर्थडे सॉन्ग की बजाय डिस्को दीवाने सॉन्ग चलना चाहिए क्योंकि चेंज होना चाहिए। तो बस फिर हम लोगों ने यही किया और मज़ा आया बहुत। मलाइका और मुझे हमेशा से कुछ अलग करने का शौक़ होता है, तो हम लोग हमेशा से बहुत आइडियाज़ निकालते हैं, सोचते हैं और हमेशा कुछ अलग लेकर आते हैं। तो इस दफ़ा भी यही हुआ कि हम लोगों ने बहुत अलग किया है। यहाँ पे हमारी केक कटिंग सेरेमनी हो रही है और पीछे म्यूज़िक चल रहा है डिस्को दीवाने जिससे कॉपीराइट आ सकता है, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। यहाँ पे शोर मचा हुआ था, हम लोग फुल ऑन पार्टी कर रहे थे, फुल ऑन इंजॉय कर रहे थे। सामने की तरफ सारे मेरे कज़न्स फैमिली सब लोग खड़े हुए थे और हम लोग सही वाले मज़े कर रहे थे, जिसे कहते ना सही वाले मज़े। भाई हमारी कैंडल्स जला रहे थे, केक कटिंग हो चुकी थी यहाँ पे और हम लोगों ने बहुत 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 इंजॉय किया ये दिन हम लोग का। सुबह सारा दिन तो काफ़ी कुछ ब्लंडर्स होते रहे जिसकी वजह से मूड भी ख़राब हुए, चीज़ें गुम गई, कुछ और टूट गया और काफ़ी मूड ऑफ रहे। लेकिन शाम हुई तो जब हम रेडी हो गए तो हम लोगों को फिर इंजॉय मज़ा आना शुरू हुआ। पहले हमारे मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे लेकिन फिर हमें मज़ा आना शुरू हो गया और हम लोगों ने इंजॉय कर किया, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया हम कज़न्स ने सब ने। और यही हमारी बर्थडे पार्टी ख़त्म हो गई क्योंकि हम बहुत थक गए थे। ये सुबह है नाश्ते का वक्त, यहाँ सारे कज़न्स बैठे हुए हैं, मीशू खान भी नाश्ता कर रहा है, सारे कज़न्स भी नाश्ता कर रहे हैं। ऐसे लग रहा था जैसे शादी वाला घर हो, सारे सुबह सवेरे शादी वाले घर में इकट्ठे हुए हैं। सो यहाँ हमारा व्लॉग होता है एंड। आई होप आप लोगों ने भी हमारे साथ साथ हमारे इस दिन को बहुत इंजॉय किया होगा, और इसी के साथ ये व्लॉग होता है एंड। डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। और ये है डिस्को दीवाने केक।